देखिए अभी हम 70 में क्रूज कर रहे हैं, आरपीएम है 1500 से थोड़ा सा ऊपर है। आप हमेशा वाइट इंडिकेशन को नज़र कीजिए, नीडल्स का और जो मीटर का वाइट मार्क्स है उसको अलाइन कीजिए। अभी देखिए हम 75 तक गया, 75 तक जाने से वो 1750 से नीचे है, इट इज़ अराउंड 1650 टू 1670 तक है, आप माइनूटली नोटिस कीजिए। अभी हम देखिए क्रूज में चला रहा है, क्रूज कंट्रोल को 80 तक लेके गया है। अभी देखिए नीडल्स को, वाइट मार्क्स, ये 1750 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, माइनूटली देखिए। अभी हम एसी को ऑफ कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत माइन्यूटली केयरफुली नोटिस करने से दिखाई देता है कि थोड़ा सा आरपीएम घट गया है, इसको केयरफुली नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। अभी हम एसी को दोबारा ऑन कर देते हैं और देखते हैं, यस थोड़ा सा आरपीएम जो है बढ़ जाता है 20 के आसपास, तो इसका मतलब है एसी ऑन ऑफ से माइलेज के ऊपर थोड़ा इफेक्ट होता है। अब केयरफुली नोटिस कीजिए और जो है फिर से एक बार एसी ऑफ कर दिया, देखिए कितना चेंज हुआ, थोड़ा सा तो होता है। तो बेस्ट स्पीड 70 है माइलेज ड्रॉ करने के लिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस किया हूँ अभी तक।